तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए मेकोफॉल ओडी। ये बाजार में मिल जाती है, ये एक टैबलेट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आपको इसका सेवन क्यों करना चाहिए, ये आपको किस तरह से फायदे पहुंचा सकती है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जानने के लिए कि मेकोफॉल आखिर क्या है। मेकोफॉल विटामिन B12 का एक्टिव रूप है, यानी कि अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है या फिर अल्जाइमर रोग में और डायबिटिक न्यूरोपैथी में आंखों की रोशनी अगर कम हो रही है या फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रहा है, चेहरे की मांसपेशियों का अस्थायी रूप से कमज़ोर पड़ जाना, बार बार अगर नींद टूटती है या फिर नसों में दर्द होता है तो मेकोफॉल से उसका इलाज किया जाता है। ज़्यादातर मेकोफॉल तब दिया जाता है जब रोगी को कई तरह की समस्याएँ होती हैं, लेकिन आपको बता दें कि दवाई देने का तरीका किसी भी बीमारी का, अगर मान लीजिए बीमारी ज़्यादा पुरानी है या फिर रोगी की आयु कितनी है, रोगी का चिकित्सा का इतिहास कैसा है, यानी कि उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो चेक करने के बाद ही मेकोफॉल की खुराक बनाई जाती है, क्योंकि मेकोफॉल की खुराक जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा मेकोफॉल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि पेट में सूजन हो जाती है, लाल चकत्ते हो जाते हैं, सिर दर्द की समस्या, खुजली या फिर जलन की समस्या, कई बार घबराहट होने लग जाती है, छाती में दर्द होना भी इसके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट में ही आता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेकोफॉल जो है वो हमारी कोशिकाओं को सुरक्षा और आवरण देने वाली माइलिक शीत को बनाकर कार्य करती है। मेकोफॉल नव कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मेकोफॉल के ना होने पर हमारी नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, इसीलिए उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मेकोफॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे मेकोफॉल के फ़ायदे और नुकसान, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इसका सेवन करना ही चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद इसका सेवन कीजिए। अगर आपको हमारे इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए।